नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनमोल लाइव्स एलटी में, जहां मैं आप लोग के लिए दुनिया की तरह तरह की मजेदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा जाता, कुछ तो बात है यहां के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर है जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। मानता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहां भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की मूर्ति दाहिने तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है, जहाँ गाँव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाय कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाय कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाई तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। अगर आप भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटदारी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों, ये थी तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमय बातें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।